हेलो गाइस, मैं महावीर। आज हम बात करने जा रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में लेसन नंबर 5, डायोड। देखिए दोस्तों, इस अध्याय में, इस वीडियो में डायोड के बारे में बताया जाएगा। डायोड क्या होता है, किस प्रकार कार्य करता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में इलेक्ट्रिशियन से संबंधित डायोड की कार्य प्रणाली, उनका वर्गीकरण समझाया जाएगा। तो हम बात करते हैं कि डायोड क्या होता है। तो डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, अर्धचालक युक्ति है, जिसमें दो सिरे एक पीएन जंक्शन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक पीएन जंक्शन से बनी युक्ति डायोड कहलाती है। और ये जो डायोड है, इसमें केवल एक ही दिशा, और वो होती है फॉरवर्ड वाइस में करंट का प्रवाह होता है, जबकि रिवर्स वाइस में करंट का प्रवाह नहीं होता है सामान्य स्थिति पर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डायोड है, उसमें केवल एक ही दिशा में करंट का प्रवाह होता है, अर्थात वह यूनि डायरेक्शनल अर्थात एक दिशीय युक्ति होती है। डायोड में एक पीएन जंक्शन और दो लेयर होती है, अर्थात दो परत, पी और एन परत होती है, और दोनों के बीच जो बना जंक्शन होता है वो पीएन जंक्शन होता है। सो गाइस, यहाँ पर बताया गया है कि दो सिरों वाली अर्धचालक युक्ति डायोड कहलाती है। डायोड में एक पीएन जंक्शन व दो परत यानी लेयर होती है। डायोड एक यूनी डायरेक्शन यानी डिवाइस यानी एक डीसी युक्ति होती है, और सामान्य स्थिति में डायोड में केवल एक ही दिशा और वो है फॉरवर्ड वाइस में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब हम बात करते हैं कि जो डायोड्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो डायोड्स वैसे तो बहुत से प्रकार के होते हैं, परंतु इलेक्ट्रिशियन के लिए कुछ विशेष उपयोगी डायोड हैं जिनका उपयोग बहुतायत किया जाता है, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले सिंपल डायोड की बात की जा रही है कि जो पहला डायोड है वो सिंपल डायोड है। तो सिंपल डायोड कैसा होता है, ये सामान्य पीएन जंक्शन से बना होता है। जो हमने पहले पढ़ा था, जो पीएन जंक्शन पढ़ा था, सामान्य पीएन जंक्शन से बना होता है, और इसका उपयोग दिष्टकारी परिपथों में अर्थात रेक्टिफायर्स, इंग्लिश में कह सकते हैं हम दिष्टकारी परिपथों को रेक्टिफायर्स। यानी रेक्टिफायर परिपथ कौन से होते हैं, जो परिपथ एसी विद्युत धारा को डीसी विद्युत धारा में परिवर्तित करते हैं, अर्थात द्विदिशीय विद्युत धारा को एक दिशीय विद्युत धारा में परिवर्तित करते हैं, रेक्टिफायर परिपथ अर्थात दिष्टकारी परिपथ कहलाते हैं। तो जो साधारण डायोड है उसका उपयोग हम एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए करते हैं, और इनके बारे में कि एसी को डीसी में किस प्रकार से परिवर्तित करता है, इसका विस्तार से हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। सो गाइस, जो सिंपल्स डायोड होता है उसकी हम संरचना देखें तो उसमें एक पीएन जंक्शन होता है। ये पीएन जंक्शन एक पी क्षेत्र होता है, एक एन क्षेत्र होता है, जिसको पी क्षेत्र को हम एनोड और के क्षेत्र को हम कैथोड कहते हैं, क्योंकि जो डायोड्स होता है उसमें दो सिरे होते हैं, एनोड और कैथोड। यदि हम इसके प्रतीक यानी सिंबल्स की बात करें तो इसको एक दिशीय यानी एक दिशा की तरह इसमें हम इंडिकेट करेंगे कि इसमें एक ही दिशा में करंट का प्रवाह होती है, केवल इस दिशा में, और इस दिशा में करंट का प्रवाह नहीं होता है। इसका ये एनोड है, ये कैथोड है, और ये इसका सामान्य डायोड का प्रतीक है। सो गाइस, जो अगला डायोड है वो अपना टनल डायोड। ठीक है दोस्तों, जो दूसरा डायोड है वो टनल डायोड है। अब इसके बारे में हम बात करें तो इसकी बहुत सी विशेषताएं हैं, और इसको एक विशेष प्रकार से निर्मित किया जाता है। तो कह रहा है कि एक उच्च चालकता वाला, चालकता युक्त दो टर्मिनल वाला पीएन जंक्शन होता है, जिसे उच्च डोपिंग यानी जो साधारण डायोड है उसकी अपेक्षा 100 गुना अधिक डोपिंग की जाती है। देखिए दोस्तों, ये जो डायोड है, इन डायोड की जो चालकता है वो इनके डोपिंग प्रक्रिया पर निर्भर करती है। यदि हमने सामान्य डोपिंग की है तो उनकी चालकता निम्न होगी, और यदि हमने उनकी जो डोपिंग उच्च स्तर पर की है, उनकी डोपिंग उच्च की है, तो उनकी चालकता बढ़ जाएगी, और यदि इनकी इनकी डोपिंग हम सामान्य से भी कम कर दें तो इनकी चालकता और घट जाती है। तो जो डायोड्स हैं, इन डायोड की जो चालकता होती है वो डोपिंग के आधार पर निर्भर करती है। तो जो टनल डायोड है, इस टनल डायोड के अंदर उच्च डोपिंग की जाती है, और उच्च डोपिंग करने के कारण इसकी चालकता बढ़ जाती है। जब हम डोपिंग उच्च करेंगे
तो उनके मध्य जो डिफ्लेक्शन लेयर बनेगी उस लेयर की चौड़ाई भी बहुत कम हो जाती है। तो अगला पॉइंट ये कह रहा है कि जो टनल डायोड है, टनल डायोड की डिफ्लेक्शन लेयर यानी अवक्षय परत की चौड़ाई यानी विड्थ बहुत कम होती है और उसका मान होता है लगभग 10^-5 mm। यदि हम दूसरे बात में बात करें तो 10 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर होती है। अब देखिए दोस्तों, जो हमने टनल डायोड बनाया है उस टनल डायोड के अंदर उच्च डोपिंग करने के कारण उसकी अवक्षय जो परत है, डिफ्लेक्शन जो लेयर है, वो डिफ्लेक्शन लेयर कम हो गई है और डिफ्लेक्शन लेयर कम होने के कारण उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज भी घट जाता है। तो अगला पॉइंट आपको यही कहना है कि टनल डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज यानी भंजन जो वोल्टता है वो बहुत कम होती है और कम होने का कारण है आपका उच्च डोपिंग। आगे बात कर रहा है कि जो टनल डायोड है किससे बना होता है, तो जो टनल डायोड है सामान्यतः जर्मेनियम, गैलियम तथा आर्सेनाइड या गैलियम एंटीमोनाइड पदार्थ से निर्मित किए जाते हैं। देखिए दोस्तों, आपको विशेष ध्यान रखना है इसका कि जो टनल डायोड है किसकी से निर्मित किए जाते हैं, जर्मेनियम, गैलियम तथा आर्सेनाइड या गैलियम एंटीमोनाइड पदार्थ से निर्मित किए जाते हैं। और जो टनल डायोड है, टनल डायोड का उपयोग माइक्रोवेव सर्किट, एम्पलीफायर यानी परवर्धक व स्विच के रूप में किया जाता है। ये जो टनल डायोड है एक ये उच्च फ्रीक्वेंसी पर प्रचालित किया जा सकता है आसानी से। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो टनल डायोड है ये एक उच्च आवृत्ति अपवर्जक, अपवर्जक का मतलब होता है विशेष या एकमात्र, यानी उच्च फ्रीक्वेंसी पर टनल डायोड जैसा वर्क अन्य डायोड नहीं कर सकते हैं। ये एकमात्र डायोड है जो उच्च आवृत्ति, उच्च फ्रीक्वेंसी पर अच्छी तरह से कार्य कर सकता है। तो यही कह जा रहा है कि ये एक उच्च फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति अपवर्जक, जिसको हम विशेष भी कह सकते हैं या एकमात्र भी कह सकते हैं, एकमात्र अवयव है जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं एक्सक्लूसिव कंपोनेंट है। और जो आपका टनल डायोड है, टनल डायोड की खोज, ये कह सकते हैं कि टनल डायोड का आविष्कार सन 1957 में लियो इयास्की ने किया था। देखिए दोस्तों, यहां पर जो टनल डायोड है उसका VI वक्र दिखाया गया है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो आपको दिखाया गया है इस दिशा में, ये दिखाया गया उसकी फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज है इन वोल्ट, और ये आपको इस दिशा में दिखाया गया है ये आपका फॉरवर्ड बायस में करंट है मिली एम्पियर में। तो एक बात पहले हम क्लियर कर चुके हैं कि जो आपका टनल डायोड है इसको उच्च डोपिंग से निर्मित किया जाता है और उच्च डोपिंग से निर्मित करने के कारण इसकी जो डिफ्लेक्शन लेयर है वो पतली हो जाती है, और जब डिफ्लेक्शन लेयर पतली हो जाएगी तो उसका जो फॉरवर्ड बायस के अंदर जो इसका बैरियर पोटेंशियल है वो कम हो जाता है, और बैरियर पोटेंशियल कम होने के कारण इसमें लो वोल्टेज पर ही करंट प्रवाहित होने लग जाती है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर ये बताया गया है कि जब वोल्टेज जीरो है तो यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, जैसे हम वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं और यहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हम जैसे जैसे करंट का वोल्टेज का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे करंट का मान बढ़ता जाता है, और एक ऐसी पोजीशन आती है कि जैसे हम वोल्टेज का मान बढ़ा रहे हैं तो करंट उसके पीक वैल्यू पे पहुंच जाती है। तो जैसे हमने यहां पर वोल्टेज का मान बढ़ाया और करंट यहां से फ्लो होते होते यहां पर पीक वैल्यू पे पहुंच गई, और जैसे हम इससे अधिक करंट का प्रवाह, अधिक वोल्टेज अप्लाई करेंगे और हम वोल्टेज का मान बढ़ाते जाएंगे तो ये जो करंट है ये करंट बढ़ने के बजाय घटना स्टार्ट हो जाती है। ये टनल डायोड की एक विशेषता है, इसी कारण इसको उपयोग किया जाता है कि जैसे जैसे हम इसके वोल्टेज स्टार्टिंग की से बात करें तो इसको हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इसमें कुछ लो वोल्टेज पर ही करंट का प्रवाह होने लगता है। उसका कारण है कि इसकी जो डिफ्लेक्शन लेयर है वो बहुत ही कम होती है, बहुत ही पतली होती है, अर्थात इसका जो पोटेंशियल बैरियर है वो बहुत कम होता है। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं, वोल्टेज का मान बढ़ाने पर इसकी करंट का मान बढ़ता है, बढ़ता जाता है। लेकिन हम एक स्थिति ऐसी आती है कि वोल्टेज का मान बढ़ाते उसके बाद इसका जो करंट है वो कुछ समय बाद घटने लगता है। तो जिस पोजिशन में यहाँ पे गया उस पोजीशन के बाद इसका करंट घटने लगा है, अर्थात इस पोजीशन में इसका जो करंट है वो अधिकतम प्रवाहित हो रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि चीज के जो करंट है वो पीक पॉइंट है, पीक पॉइंट है। अब इससे यदि हम आगे इसको बढ़ाते जाते हैं वोल्टेज को तो इसकी जो करंट है वो वापस घटने लगती है, और हम वोल्टेज को और बढ़ाए जाए तो ये
घटती जाती है घटती जाती है, और एक इसका पॉइंट आता है, उस पॉइंट के बाद ही वापस बढ़ना स्टार्ट कर देती है, और उसके पश्चात सामान्य जो डायोड होता है, जो सामान्य पीएन जंक्शन डायोड है, उसकी भांति कार्य करने लगती है। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज का मान बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे इसकी करंट का मान बढ़ रहा है, लेकिन परंतु एक ऐसी स्थिति आती है कि उस समय के बाद, उस पॉइंट के बाद वोल्टेज का मान बढ़ाने पर उसमें करंट का मान घटने लगता है, और उसके पश्चात और हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, तो उसके पश्चात एक फिर पॉइंट आता है जिसके बाद करंट वापस बढ़ने लगती है। तो जो ये पॉइंट है जिस स्थिति में अधिकतम करंट का प्रवाह होता है, वो उसकी पीक करंट कहलाती है, पीक पॉइंट कहलाती है, और इस स्थिति में जितना वोल्टेज इस पे अप्लाई किया गया है वो इसका पीक वोल्टेज कहलाता है। तो देखिए, इसका जो पीक करंट है वो इसकी ये 35 दे रखी है। यहाँ पे मान लो किसी भी डायोड की, सब डायोड की अलग अलग होती है, तो यदि हम इसमें कोई एक वक्र खींचे तो वक्र में दिखाया गया है कि जो एक डायोड है इसकी जो पीक करंट है वो 35 मिलीएम्पियर है, तो उस पोजिशन में जो इसका पीक वोल्टेज है वो 0.2 वोल्ट है। इससे आगे हम यदि वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं तो करंट का मान घट रहा है, और घटते घटते एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जिसके बाद वापस करंट का मान बढ़ना स्टार्ट करेगा। जिस पॉइंट से करंट का मान वापस बढ़ना स्टार्ट करेंगे, करंट का मान वापस बढ़ना स्टार्ट होगा, उसे कहते हैं वैली पॉइंट। तो यहां इस स्थिति में जो करंट का मान होगा वो वैली करंट कहलाएगी, और इस स्थिति में जितना इस पे वोल्टेज अप्लाई किया गया है या जो वोल्टेज का मान होता है उस वोल्टेज को हम वैली वोल्टेज कहेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे जैसे हम इसमें वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, इसके करंट का मान बढ़ता जा रहा है, लेकिन और वोल्टेज अप्लाई करने पर एक ऐसी स्थिति आती है कि उस समय इसका करंट का मान घटने लगता है, और जो उस समय घटने लगता है तो जो उसका अधिकतम वैल्यू होती है उसको कहते हैं पीक पॉइंट, और उस समय जो करंट प्रवाहित होती है उसे कहते हैं पीक करंट, और उस समय जो वोल्टेज अप्लाई की हुई होती है उसे कहते हैं पीक वोल्टेज। अब जैसे जैसे हम वोल्टेज का मान बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसकी करंट का मान घटता जा रहा है, लेकिन फिर एक ऐसी स्थिति आएगी कि हम और वोल्टेज का मान बढ़ाने पर इसका करंट घटने की बजाय वापस बढ़ना स्टार्ट करेगा, और उसके पश्चात एक सामान्य डायोड की भांति कार्य करने लगेगा। तो जो घटने के बाद वापस जहां से बढ़ना स्टार्ट करता है उस पॉइंट को कहते हैं हम वैली पॉइंट, और जो वहां उस समय इसमें जितने भी करंट का प्रवाह होगा उसे कहेंगे हम वैली करंट, और जो यहां पर उस समय जितना वोल्टेज अप्लाई होगा उस वोल्टेज को कहेंगे हम वैली वोल्टेज। ठीक है, तो इसी विशेषता के कारण, इसी टनलिंग विशेषता के कारण इस डायोड का उपयोग माइक्रोवेव सर्किट या जो स्विच है उन स्विच सर्किट्स में किया जाता है। और देखिए दोस्तों, अब एक विशेष इसमें बात यह आई है कि हम इसमें वोल्टेज का मान बढ़ाने पर करंट का मान घट रहा है, तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस का मान बढ़ रहा है, तो इसलिए इसको टनल डायोड को नेगेटिव रेजिस्टेंस डायोड भी कहा जाता है, कि अर्थात वोल्टेज बढ़ाने पर इसका रेजिस्टेंस मान घटता है। तो यहां पर दिखाया गया कि यहां से लेकर जो यहां तक का जो वोल्टेज है उसका नेगेटिव रेजिस्टेंस वैल्यू कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, यहां पर जो है टनल डायोड का सिंबल्स दिखाया गया है, इसका एनोड है, इसका कैथोड है, और यहां पर ये सामान्य डायोड है। सामान्य डायोड को एक टनलिंग सिंबल्स लगा दिया, तो यहां पर जो ये बन गया आपका टनल डायोड। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका एक VI वक्र है जिसमें फॉरवर्ड बायस के ऊपर वोल्टेज और करंट के मध्य संबंध दिखाया गया है, और इसी नेगेटिव रेजिस्टेंस के कारण इसका उपयोग माइक सर्किट्स में किया जाता है। सो गाइस, आगे जो डायोड दिया गया है वो दिया गया है वेरेक्टर डायोड। जो वेरेक्टर सब वर्ड्स हैं, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, वेरी प्लस कैपेसिटर, यानी वेरिएबल कैपेसिटर। तो ये जो डायोड है एक विशेष प्रकार का डायोड है, और इसका उपयोग हम रिवर्स बायसिंग पर करते हैं। और आप पहले भी पढ़ चुके हो कि जब हम डायोड को रिवर्स बायसिंग पर संयोजित करते हैं, डायोड की रिवर्स बायसिंग करते हैं, तो उसमें डिप्लेक्शन लेयर की जो चौड़ाई है वो बढ़ जाती है। देखिए दोस्तों, जब हम पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस पर संयोजित करते हैं तो स्थिति ये पैदा होती है कि यहाँ पे जो डिप्लेक्शन लेयर है वो सामान्य पोजिशन की अपेक्षा बढ़ जाती है। और इसका मान किसके ऊपर डिपेंड करता है? यहां पर जो रिवर्स बायस है, इस रिवर्स बायस में अप्लाई वोल्टेज के ऊपर।
तो यदि हम बात करें यहां पर कि जो इस पोजीशन पर अर्थात रिवर्स बायसिंग पर जो यहां पर नेगेटिव चार्ज है, जो नेगेटिव हमने विभव लगाया है, वो यहां से यहां पर जो होल्स हैं उन होल्स के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करके यहां पर इकट्ठा कर लेगा। इसी प्रकार जो यहां पर जो नेगेटिव ये कह सकते हैं कि जो एन क्षेत्र है उस एन क्षेत्र में पॉजिटिव विभव लगाने के कारण ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव चार्ज है इनको यहाँ पर इकट्ठा कर लेगा और बीच के अंदर एक डिप्लेशन लेयर के जो मान है उसको बढ़ा देगा और जो डिप्लेशन लेयर है वो अचालक का कार्य करती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पी क्षेत्र जो एन क्षेत्र है वो दो प्लेटों की भांति कार्य कर रही है और जो आपका जो डिप्लेक्शन लेयर है ये डिप्लेक्शन लेयर पैराविद्युत अर्थात डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की भांति कार्य कर रहा है। तो एक प्रकार से यहाँ पर कैपेसिटर का निर्माण होता है और जब हम डायोड को रिवर्स वाइज पर रखते हैं तो एक आवेशित कैपेसिटर अर्थात चार्ज कैपेसिटर की भांति कार्य करता है। अब यदि हम बात करते हैं कि जो डिप्लेक्शन लेयर है ये इस पीएन जंक्शन के सिरों पर अप्लाई वोल्टेज के आधार पर वोल्टेज के मान पर निर्भर करती है। तो यदि हम यहाँ पर वोल्टेज को परिवर्तित करते हैं, यहाँ पर लगाए गए वोल्टेज को हम परिवर्तित करते हैं तो डिप्लेशन लेयर में परिवर्तन आएगा और डिप्लेशन लेयर में परिवर्तन आएगा अर्थात पैरा विद्युत में परिवर्तन आएगा और पैरा जो विद्युत है अर्थात डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उसमें परिवर्तन आएगा। तो कैपेसिटिव मान अर्थात जो इसका कैपेसिटेंस है उस कैपेसिटेंस के मान में भी परिवर्तन आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो डायोड है उसमें यदि हम रिवर्स वाइज में वोल्टेज परिवर्तित करते हैं तो कैपेसिटर की वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो कैपेसिटर की भांति कार्य करता है, लेकिन जब हम वोल्टेज को परिवर्तित करते हैं तो एक परिवर्ती कैपेसिटर की भांति कार्य करता है क्योंकि डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान परिवर्तित होने के कारण उसका कैपेसिटेंस भी परिवर्तित होता है, कैपेसिटेंस भी परिवर्तित होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक ये जो डायोड है उसको रिवर्स वाइज में संयोजित किया, उसको वोल्टेज अप्लाई की, वोल्टेज अप्लाई करने पर वो एक कैपेसिटर की भांति कार्य कर रहा है और वोल्टेज परिवर्तित करने के कारण वो परिवर्ती कैपेसिटर की भांति कार्य कर रहा है। अब हम देखते हैं कि जो वोल्टेज और इसका जो कैपेसिटेंस है उसमें क्या रिलेशन है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा उससे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर वेरिएक्टर डायोड के बारे में बताया गया है कि पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस में प्रयोग करने पर वह आवेशित संधारित्र यानी चार्ज कैपेसिटर की भांति कार्य करता है जो कि रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करने पर होता है, यानी ऐसा केवल रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करने पर फॉरवर्ड बायस में नहीं होता है। आगे कह रहे हैं कि पीएन जंक्शन के मध्य बनी डिप्लेक्शन लेयर पैराविद्युत डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के समान कार्य करती है तथा कैपेसिटर की संरचना बनाती है। डिप्लेक्शन रीजन यानी डिप्लेक्शन लेयर यानी जो अक्षय क्षेत्र है कि चौड़ाई डायोड पर अप्लाई वोल्टेज पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही बात है। आगे कह रहा है कि डिप्लेक्शन रीजन की चौड़ाई वोल्टेज बढ़ाने पर बढ़ती है और वोल्टेज घटाने पर घटती है। तो यहां पर जो उसका डिप्लेक्शन लेयर का जो मान है वो कितना होता है, W इक्वल टू यानी विड्थ किसकी डिप्लेक्शन, W प्रोपोर्शनल अंडर रूट V अर्थात जो डिप्लेक्शन लेयर है उसकी चौड़ाई आरोपित वोल्टेज के अंडर रूट के समानुपाती होती है, जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया उसके रूट के समानुपाती होती है। तो हम जो और किसी भी जो डायोड है उस डायोड का जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करता है C इक्वल टू एप्सिलॉन ए अपॉन डब्ल्यू। एप्सिलॉन यहां पर उसकी परमिविटी है और ए यहां पर उसका जो प्लेट्स हैं। तो हम यदि यहां पर एक वेरिएक्टर डायोड की बात करें तो वेरिएक्टर डायोड का जो P और N क्षेत्र है उसकी बात कर रहे हैं और W यहां पर जो उसमें जो विड्थ बनी है या कह सकते हैं कि जो उसके अंदर डिप्लेक्शन लेयर बनी है उसकी चौड़ाई की बात कर रहा है। तो C इक्वल टू एप्सिलॉन ए अपॉन W और जो यहां पर W है अर्थात जो विड्थ है वो विड्थ डिपेंडेंट करती है वोल्टेज पे। तो हम कह सकते हैं कि C इक्वल टू एप्सिलॉन ए अपॉन अंडर रूट V, C इक्वल टू एप्सिलॉन ए अपॉन अंडर रूट V। और यदि हम बात करें कि जो आपका जो डायोड्स हैं वेरिएक्टर डायोड्स के अंदर जो आपका एप्सिलॉन और ए का मान नियत होता है तो हम कह सकते हैं कि दोनों नियतांक हैं, नियत रहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एप्सिलॉन ए, एप्सिलॉन और ए है वो एक नियतांक है, कोस्टेंट है, तो उसको हम के से डिनोट कर सकते हैं। तो आगे जो अपना फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा सी इक्वल टू के अपॉन वी अर्थात जो आपका कैपेसिटेंस है वो के यानी नियतांक अपॉन अंडर रूट वोल्ट अप्लाई वोल्टेज होगा।
तो हम यदि हमें के नियतांक स्थिर है तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो हम कह सकते हैं कि C प्रोपोर्शनल 1 अपॉन अंडर रूट V, C प्रोपोर्शनल 1 अपॉन अंडर रूट V, अर्थात वोल्टेज का मान हम बढ़ाएंगे, वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे तो जो डिफ्लेक्शन लेयर है उसका मान बढ़ेगा और उसका मान बढ़ने का कैपेसिटेंस का मान कम होगा। जब हम दो प्लेटों के मध्य अचालक बढ़ा दें, अचालक दोनों प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ा देते हैं, दूरी बढ़ा देते हैं तो कैपेसिटेंस का मान कम होता है और दूरी घटाते हैं तो कैपेसिटेंस का मान बढ़ता है। तो वोल्टेज का मान बढ़ाने से डिफ्लेक्शन लेयर का मान बढ़ता है और डिफ्लेक्शन का लेयर का मान बढ़ने से कैपेसिटेंस कम होता है, अर्थात कैपेसिटेंस और वोल्टेज एक दूसरे के उल्टे अनुपात में होते हैं, विद क्रमानुपाती होते हैं और वो किसके, अंडर रूट वी के। तो सी प्रोपोर्शनल 1 अपॉन अंडर रूट वी, और यहां पर एप्सिलॉन है जो जो डिफ्लेक्शन लेयर है उस डिफ्लेक्शन लेयर की परमिटिविटी है, और जो आपका जो ए है वो एरिया है अब जंक्शन, यानी वो जो जंक्शन के दोनों तरफ जो एरिया है उसकी बात कर रहा है, और जो यानी जो पी क्षेत्र और एन क्षेत्र है, यानी जो ये इतना जो क्षेत्र है इस क्षेत्र की बात कर रहा है एरिया, और यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है यहां से यहां तक ये जो आपका डिफ्लेक्शन लेयर है जो डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ की भांति कार्य करेगा, और ये एक पूरी कैपेसिटर की संरचना बनाएगा जिसमें एक प्लेट का काम ये करेगी, दूसरा प्लेट का काम ये करेगी, और बीच में जो है वो अचालक अर्थात डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ का कार्य डिफ्लेक्शन लेयर करेगी। अब यदि हम बात करते हैं इसका जो वक्र है, तो वक्र की बात करते हैं तो वक्र देखो यहां पर दिखाया गया है कि यहां पर एक कोई रिवर्स बायस में वोल्टेज है और यहां पर इसका कैपेसिटेंस है। जब वोल्टेज का मान जीरो रहता है तो डिफ्लेक्शन लेयर बहुत ही पतली रहती है, और जब डिफ्लेक्शन लेयर पतली होगी तो उसमें जो आपका है कैपेसिटेंस उच्च होगा, कैपेसिटेंस उच्च होगा क्योंकि दोनों प्लेटों के मध्य दूरी कम होगी, और दूरी कम होगी तो वहां पर जो कैपेसिटेंस का मान उच्च रहेगा। अब जैसे जैसे हम रिवर्स वाइज में वोल्टेज का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे डिफ्लेक्शन लेयर का मान बढ़ता जाता है, और डिफ्लेक्शन का लेयर का मान बढ़ने के कारण उसका कैपेसिटेंस घटता जाता है, उसका कैपेसिटेंस घटता जाता है। तो यहां पर आपको ये एक वेरेक्टर डायोड का कैपेसिटेंस और रिवर्स वोल्टेज के मध्य वक्र खींचा गया है। सो गाइस हम आगे बात करते हैं कि जो वेरेक्टर डायोड इसका उपयोग कहां किया जाता है, तो जो वेरेक्टर डायोड है इसका उपयोग टेलीविजन रिसीवर एफएम रिसीवर फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनिंग, यानी उनकी जो टीवी और जो एफएम है उस टीवी और एफएम के जो हम स्टेशन चेंज करते हैं उन स्टेशन चेंज करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, और इसके साथ साथ वेरेक्टर डायोड का उपयोग स्वचालित आवर्ती नियंत्रक युक्ति में भी किया जाता है। आवर्ती नियंत्रक युक्ति यानी जब वोल्टेज परिवर्तित होगा तो उसका कैपेसिटेंस परिवर्तित होगा, और कैपेसिटेंस परिवर्तित करने होने के कारण उसकी जो उसका जो कोई भी डायोड जो कोई भी कैपेसिटर उस कैपेसिटर का धारतीय प्रतिघात परिवर्तित होता है, जिसके कारण वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग प्रतिरोध जो कह सकते हैं कि प्रतिरोध कह सकते हैं ऐसे उसको कह सकते हैं कि प्रतिघात प्रस्तुत करता है, तो वहां पर आवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जो वेरेक्टर डायोड है इसका जो कैपेसिटेंस है वो वोल्टेज मान परिवर्तित करने पर परिवर्तित होता है, इसलिए इसको वेरी कैप या ईपी कैप वोल्टा कैप ट्यूनिंग डायोड और वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटेंस आदि नाम से जाना जाता है। और जो आपको यहां पर नीचे दिखाई दिया है ये तीनों ही प्रकार से इनके सिंबल्स हैं। जो वेरेक्टर डायोड है इसको डिनोट करने के लिए ये सिंबल भी यूज किया जाता है, ये संकेत भी यूज करता है, इसके साथ ये संकेत भी यूज किया जाता है, और यहां पर देखो ये एक डायोड है और डायोड के साथ यहां पर हमने कैपेसिटर जोड़ दिया और कैपेसिटर को हमने क्या कर दिया परिवर्ती मान, तो यहां पर हो गया परिवर्ती कैपेसिटर, किसके साथ डायोड के साथ, तो ये हो गया वेरेक्टर डायोड। तो तीनों ही प्रकार से इनके सिंबल्स डिनोट किए जाते हैं। अगला डायोड है जीनर डायोड। देखिए जो जीनर डायोड है इसको भी हम सर्किट में रिवर्स बायसिंग पे यूज करते हैं, इसका उपयोग भी रिवर्स बायसिंग में किया जाता है, और जो जीनर डायोड है इसका उपयोग मुख्यतः वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो डायोड होता है सामान्य डायोड होता है, सामान्य डायोड में रिवर्स बायसिंग में करंट का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन यदि हम वोल्टेज का मान बढ़ाते जाते हैं रिवर्स बायसेज में वोल्टेज का मान बढ़ाते जाते हैं तो एक ऐसी स्थिति आती है कि उस पोजीशन पर
उसका जो रिवर्स बायसिंग में जो जंक्शन है उस जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाता है, उस जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाता है, अर्थात रिवर्स बायसिंग में जंक्शन टूट जाता है, संधि टूट जाती है और रिवर्स बायसिंग में रिवर्स करंट का प्रवाह होता है, रिवर्स करंट का प्रवाह होता है। तो रिवर्स बायसिंग में नॉर्मली पोजीशन पर जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो सामान्य स्थिति में करंट का प्रवाह नहीं होता, लेकिन जैसे उसका जो ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होने के बाद अचानक से तेजी से उसमें करंट का प्रवाह होता है। तो यहां पर यही कहा गया है कि वह डायोड जिसका भंजन वोल्टता यानी ब्रेकडाउन वोल्टता तीक्ष्ण, अर्थात जिसको हम कहते हैं सैर, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं तेजी से हो, यानी जिसमें जो भंजन हो रहा है, जो यहां पर ब्रेकडाउन हो रहा है, वो अचानक हो, तेजी से हो, तेजी से हो, यानी कुछ समय तक तो लिए उसमें हो ही ना, लेकिन एक ऐसी वैल्यू आए जिसपे अचानक से उसका जो संधि है वो टूट जाए, उसका ब्रेकडाउन हो जाए, तो उसका उस डायोड को हम जेनर डायोड कहते हैं। तो और ये कह रहा है कि वह न्यूनतम रिवर्स बायस वोल्टेज जिस पर डायोड की संधि यानी जंक्शन टूट जाती है उसे हम डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। और ये हमने ये बात है पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं कि जो हम रिवर्स बायस में वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं तो उसकी संधि टूटती है, और जिस पॉइंट पर जिस वोल्टेज पर उसकी संधि टूटती है रिवर्स बायसिंग में उसे हम ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। कह रहे हैं कि ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान डोपिंग पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है कि जो अपना ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डोपिंग के ऊपर डिपेंड करता है, और इसी के आधार पर अलग अलग डायोड्स बनाए गए हैं। तो जिसकी डोपिंग उच्च होगी उसके अंदर डिप्लेक्शन लेयर पतली होगी, डिप्लेक्शन लेयर पतली होगी तो उसका ब्रेकडाउन लो होगा। तो यहां पर यह बताया गया है कि यदि डोपिंग उच्च है तो उसकी अवश्य परत जो डिप्लेक्शन लेयर है वो पतली होती है, और पतली होने के कारण उसका भंजन वोल्टेज निम्न होता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज निम्न होता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि यदि अपना जो डोपिंग है वो निम्न डोपिंग है, निम्न डोपिंग है, तो जो उसकी अवश्य परत है वो मोटी होगी, और उसकी अवश्य परत यानी डिप्लेक्शन मोटी होगी, डिप्लेक्शन लेयर मोटी होने के कारण उसका भंजन वोल्टेज है वो उच्च होगा, भंजन वोल्टेज है वो उच्च होगा। तो इस डोपिंग के आधार पर, इस भंजन वोल्टेज के आधार पर ही इस जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, जो जेनर डायोड है, जेनर डायोड की संरचना है वो सामान्य डायोड के समान होती है, अर्थात जेनर डायोड की संरचना एक साधारण डायोड के समान होती है, केवल दोनों में अंतर यह होता है कि जेनर डायोड का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, जो डोपिंग की मात्रा है, वो वांछित ब्रेकडाउन हेतु की जाती है, उनका यानी पूर्व निर्धारित मान होता है, और उस मान का हम, उस वैल्यू का मान हम लो रखते हैं जिस पर हमें वोल्टेज कंट्रोल करवाना है, जितना हमें सर्किट में वोल्टेज नियंत्रित करवाना है वहां पर इसका ब्रेकडाउन रखा जाता है। जबकि सामान्य जो डायोड है उसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो काफी अधिक होता है, और जो जिनर डायोड है उसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो लो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बताया गया कि जो जिनर डायोड है का उपयोग रिवर्स बायस में किया जाता है, यानी इसको सर्किट में हम रिवर्स बायस में सेट करते हैं, फॉरवर्ड बायस में ये जो सामान्य डायोड की भांति कार्य करता है। देखो यहाँ पर कह रहा है फॉरवर्ड बायस में जिनर डायोड एक साधारण डायोड की भांति कार्य करता है। यहाँ कह रहा है कि रिवर्स बायस में वोल्टेज का मान सीमा से अधिक बढ़ने पर जिनर डायोड के जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाता है, तथा वोल्टेज का मान घटने पर जिनर डायोड पूर्व के समान सही दिशा में कार्य करने लगता है। यानी जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं रिवर्स बायस में तो उसका ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, और जैसे वोल्टेज उसकी जो ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम आती है और वो वापस नॉर्मल साधारण जो पहले से जो डायोड था उसकी जो सही कंडीशन थी उस कंडीशन में आ जाता है। यानी एक बार उसका ब्रेकडाउन होने के बाद यदि हम वोल्टेज घटाते हैं तो पुनः फिर से नॉर्मली हो जाता है, पूर्व की स्थिति में आ जाता है। देखिए दोस्तों, जो आपका जिनर डायोड है उसका उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में अधिक किया जाता है, वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है, और जो जिनर डायोड है ये सामान्यतः 25 वोल्ट तक बनाए जाते हैं, यानी 25 वोल्ट है उसका ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है रिवर्स बायसिंग में। ठीक है, जबकि साधारण डायोड का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो काफी अधिक होता है। और आपको यहाँ पर जिनर डायोड का ये सिंबल दिखाया गया है, एक नॉर्मली डायोड का सिंबल है, और यहाँ पर जेड बना दिया, क्या बना दिया, जेड बना दिया, अर्थात वो जिनर डायोड का सिंबल हो गया। ठीक है, तो आपको यदि जिनर डायोड का सिंबल याद रखने में तकलीफ होती है तो आपको याद रखना है कि जो जिनर डायोड है उसको इंग्लिश में हम GENER से लिखते हैं, तो जो जिनर है उसका जो फर्स्ट वर्ड है उसको हम डायोड के साथ ऐड कर देंगे तो जिनर डायोड का सिंबल्स हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहां पर जिनर डायोड को सर्किट में यूज किया गया है, और यहां सर्किट में यूज रिवर्स बायसिंग पे देखो, यहां पर देंगे हम धनात्मक वोल्टेज और यहां पर देंगे हम ऋणात्मक वोल्टेज। ठीक है, ऋणात्मक भी और धनात्मक भी देंगे, और जो आपका इसका जो कैथोड है ये इसका एनोड है, एनोड में पी क्षेत्र होता है, कैथोड में एन क्षेत्र होता है, तो एन क्षेत्र को हमने क्या दिया, पॉजिटिव, एन क्षेत्र क्या दिया हमने, पॉजिटिव, अर्थात रिवर्स बायस पे ए क्षेत्र को दिया है, पी क्षेत्र को दिया हमने नेगेटिव, यानी रिवर्स बायस पे हो गया। अब देखिए दोस्तों कि
यहां पर हम कोई वोल्टेज आरोपित कर रखा है हमने, और यदि मान लिया कि इसका जो डायोड है, इस डायोड की जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो 6 वोल्ट है, कितना है 6 वोल्ट है, तो अब जब सामान्य स्थिति में यहां पर 6 वोल्ट या 6 से कम आएगा तो इसमें से करंट का प्रवाह इस स्थिति में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज रिवर्स वाइज में 6 वोल्ट है, तो 6 वोल्ट से नीचे इसमें करंट का प्रवाह नहीं होगा। तो यहां पर जो 6 वोल्टेज आ रही है वो यहां से फ्लो होते हैं, इसमें से अपना जो लोड रेजिस्टेंस है उसमें से अपना काम करती रही। लेकिन जैसे यहां पर 6 वोल्टेज से अधिक होगा, 6 वोल्टेज से अधिक होगा तो यहां पर इस पोजीशन पर 6 वोल्टेज से अधिक मान होगा, अधिक मान होते इसमें रिवर्स बायसिंग में करंट का प्रवाह होगा, और रिवर्स बायसिंग में करंट का प्रवाह होने के कारण इस सर्किट की करंट का मान बढ़ेगा, और इस सर्किट की करंट का मान बढ़ने के कारण जो यहां पर सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इस सीरीज रेजिस्टेंस का करंट मान बढ़ने से इसका वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, करंट मान बढ़ने से इसका वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, और वोल्टेज ड्रॉप बढ़ने के कारण यहां पर जो है इस लोड प्रतिरोध के पास है कम वोल्टेज पहुंचेगी, और कम वोल्टेज पहुंचने के कारण ये जो आपका लोड रेजिस्टेंस है वो सुरक्षित रहेगा, लोड रेजिस्टेंस है वो सुरक्षित रहेगा, और वो इतना ही वोल्टेज ड्रॉप करेगा जितना यहां पर 6 वोल्टेज से अधिक आ रहा है, क्योंकि उसमें इतनी ही करंट फ्लो होगी जितना इसको 6 वोल्टेज से अधिक मिलने पर हो रहा है। तो 6 वोल्टेज से जैसे इसको अधिक मिला, अधिक मिलते इसका ब्रेकडाउन हुआ, और ब्रेकडाउन होते इसमें करंट का प्रवाह हुआ, वो करंट उच्च होगी, उच्च मान की करंट फ्लो होने के कारण यहां पर लोड करंट का मान बढ़ेगा, और लोड करंट का मान बढ़ने के कारण टोटल करंट का मान बढ़ने के कारण यहां पर जो एक लिमिटर रजिस्टर लगाया गया है, इस लिमिटर रजिस्टर की वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगी, और लिमिटर रजिस्टर की वोल्टेज ड्रॉप बढ़ने के कारण जो यहां पर आपका लोड रजिस्टर लगा हुआ है उस लोड प्रतिरोधक को सामान्य वोल्टेज मिलती रहेगी। जैसे ही सामान्य वोल्टेज होगी वापस, यानी यहां पर 6 वोल्टेज होगी, 6 वोल्टेज होगी इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा, यानी ये पूरी की स्थिति में आ जाएगा, सामान्य स्थिति में आ जाएगा, और सामान्य स्थिति में आने के कारण इसमें से कोई करंट का प्रवाह नहीं होगा, और कोई करंट का प्रवाह नहीं होगा तो ये अतिरिक्त कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं करेगा, उस समय उसको 6 वोल्टेज मिलती रहेगी। तो इसको प्रत्येक पोजिशन में 6 वोल्टेज मिलती रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जीनर डायोड का उपयोग किया जाता है, और इस प्रकार से कार्य करता है। देखो यहां पर ये जो इसकी सीरीज में जो रेजिस्टर लगाते हैं उसे कहते हैं हम लिमिटर रेजिस्टर। उस लिमिटर रेजिस्टर की वैल्यू निकालने का एक सूत्र है, वह है आर एल आई, यानी आर लिमिटर इक्वल टू वी लिमिटर, ठीक है, सॉरी वी इनपुट, यानी हमने यहां पर जो इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं वो वी इनपुट माइनस वी जेड, वी जेड का मतलब यहां पर इस जीनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज, वी जेड अपॉन आई जेड। यदि आई जेड तो होगा जब यहां पर कोई लोड प्रतिरोध नहीं है तब, और यदि यहां पर लोड प्रतिरोध है तो जो इसकी टोटल करंट है वो यहां पर आएगी आई, ठीक है। तो यहां पर आर लिमिटर इक्वल टू वी इनपुट माइनस वी जीनर डायोड अपॉन आई, ठीक है। तो यहां से हम किसी भी डायो जो यहां पर लिमिटर है उस लिमिटर के रेजिस्टेंस का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो दोस्तों यहां पर भी पूरा इसमें डिटेल दिया गया है कि किसको क्या कहा गया, तो कह रहा है कि आई लिमिटर इक्वल टू लिमिटर प्रतिरोध का मान ओम में, वी इन यानी इनपुट वोल्टेज में डीसी वोल्टेज है, और वी जेड जीनर डायोड की कार्यकारी वोल्टेज है वोल्ट में, और आई जेड जीनर डायोड की अधिकतम विद्युत धारा एम्पियर में जब लोड नहीं जुड़ा हो, और लोड जुड़ा हो तो यहां पर जो टोटल करंट है वो आएगी। देखिए दोस्तों इसके अलावा भी कुछ विशेष प्रकार के डायोड है, उसका नाम है प्रकाश उत्सर्जक डायोड, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लाइट एमिटिंग डायोड, इसको शॉर्ट में कहते हैं एलईडी। इस एलईडी का उपयोग आज बहुत ही अधिक उपयोग किया जा रहा है, आज बहुत ही प्रचलित है, और इस पर अधिक प्रचलित होने का कारण होता है कि एक तो ये गर्म कम होती है और साथ साथ में ऊर्जा की खपत कम करती है। तो ये नाम से पता चल रहा है प्रकाश उत्सर्जक डायोड, यानी कोई प्रकाश पैदा करेगा, कोई डायोड है जो प्रकाश पैदा करेगा वो प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहलाएगा। तो देखिए दोस्तों होता क्या है कि जो अपने पास एनर्जी लेवल में बात करते हैं, तो एनर्जी लेवल में जो अपने सामान्य कोई भी मेटेरियल्स होता है उसके अंदर दो प्रकार की एनर्जी लेवल होते हैं, तो हाई एनर्जी लेवल और एक लो एनर्जी लेवल। जो कंडक्शन बैंड होता है वो इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी लेवल के होते हैं, और जो आपका वैलेंस बैंड होता है वो लो एनर्जी लेवल के होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ आते हैं तो जो हाई लेवल और लो लेवल की जो इलेक्ट्रॉन्स जो लो लेवल ऊर्जा में जो अंतर है उस ऊर्जा के अंतर के बराबर एक ताप पैदा होता है, एक हीट पैदा होती है, और वो हीट प्रकाश के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो यहां पर क्या कह रहा है कि जब उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन्स निम्न ऊर्जा स्तर में
आता है तब दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा अंतर के बराबर एनर्जी सामान्य सिग्नल्स या पावर डायोड में ताप के रूप में, यानी जो वहां पर जो एनर्जी है जो पावर है वो ताप के रूप में उत्पन्न होती है। एलईडी डायोड में ये ऊर्जा प्रकाश के रूप में उत्पन्न होती है, यानी जो एलईडी डायोड है उसमें ऊर्जा प्रकाश के रूप में उत्पन्न होगी। एलईडी डायोड का निर्माण गैलियम आर्सेनाइड फास्फोरस यानी जीए एस यानी जी यानी गैलियम है, एस यानी आर्सेनाइड है और पी यानी फास्फोरस है, ठीक है। और इसके साथ गैलियम फास्फाइड पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, यानी दो प्रकार से हम यहाँ पर जो लाइट एमिटिंग डायोड बनाते हैं, एक तो गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड और दूसरा है गैलियम फास्फाइड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये दोस्तों, ये जो एलईडी डायोड्स हैं ये कुछ विशेष रंग में ही बनाई जाती है, जिसमें से हरे रंग और भूरे रंग की हम गैलियम फास्फाइड से बनाते हैं और जो लाल रंग की है वो गैलियम आर्सेनाइड से बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो इस एलईडी डायोड का उपयोग डिजिटल घड़ियों, पब्लिसिटी बोर्ड्स, कैलकुलेटर्स, टेलीफोन्स आदि में इंडिकेटर के रूप में किया जाता है। और यहाँ पर ये डायोड्स दिखाया गया है, इस डायोड से यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है ये दिखाया जा रहा है इसके प्रकाश की किरणें, यानी ये जो डायोड है प्रकाश की किरणें उत्सर्जित कर रहा है और ये सिंबल हो गया प्रकाश उत्सर्जक डायोड अर्थात लाइट एमिटिंग डायोड का, ठीक है। तो जो इनका सिंबल्स है उन सिंबल से ही पता चल जाता है कि ये किस प्रकार, जो इनकी इसमें जो कोई विशेष इंडिकेशन होता है उस इंडिकेशन से पता चल जाता है कि सिंबल्स किस डायोड का है। जो अगला डायोड है, जो यहाँ पर अगला डायोड दिखाया गया है वो दिखाया गया है फोटो डायोड। और फोटो डायोड क्या है, जिस प्रकार से जो अपना पहला डायोड था लाइट एमिटिंग डायोड वो प्रकाश की किरणें उत्सर्जित कर रहा था, प्रकाश की किरणें उत्सर्जित कर रहा था, ठीक है, अर्थात विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा था, उसका उल्टा फोटो डायोड है, अर्थात फोटो डायोड प्रकाश की किरणों को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। तो फोटो डायोड एक अर्चाल युक्ति है जो प्रकाश किरणों को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ठीक है। और जो फोटो डायोड है का उपयोग प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए वह प्रकाश नियंत्रक स्विचों में किया जाता है। देखिए दोस्तों, हम यदि एक रिवर्स बायसिंग में डायोड है उस डायोड की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन है, यहां पर होल्स है और ये आपकी डिफ्लेक्शन लेयर है। जब इसको हम रिवर्स बायस में चेंज करते हैं अर्थात यहां पर नेगेटिव सप्लाई और यहां पर पॉजिटिव सप्लाई देते हैं, इसमें करंट का प्रवाह नहीं होता है लेकिन माइनॉरिटी चार्ज होते हैं इसमें, यहां पर इलेक्ट्रॉन और यहां पर होल्स, उनके कारण कुछ करंट का प्रवाह होता है, कुछ करंट का प्रवाह होता है। और जो माइनॉरिटी चार्ज के कारण जो करंट का प्रवाह होता है उसका मान वोल्टेज, यानी कह सकते हैं कि रिवर्स बायसिंग में जो करंट का प्रवाह होता है वो वोल्टेज की जो रिवर्स वोल्टेज है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। अब यदि हम बात करें कि इसको हम कोई प्रकाश दें, यहाँ पर प्रकाश डालें, प्रकाश डालते हैं तो जो यहाँ पर जो सहसंयोजी बंध बना हुआ है, जो कोवेलेंट बंध है, उसको एनर्जी मिलेगी, जो इलेक्ट्रॉन्स है उस इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी। तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलने के कारण जो सहसंयोजी बंध है वो टूटने लगेंगे और सहसंयोजी बंध टूटने के कारण इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ने के कारण जो यहाँ पर रिवर्स कंडीशन में है, रिवर्स कंडीशन में करंट का प्रवाह बढ़ जाएगा। रिवर्स कंडीशन में करंट का प्रवाह बढ़ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि अतिरिक्त करंट फ्लो होने लगी है, किसके कारण, इस डायोड पर प्रकाश की किरणें पड़ने के कारण। तो यहाँ पर जो प्रकाश की किरणें पड़ी उसके कारण एक अतिरिक्त जो यहाँ पर सहसंयोजी बंध था, कोवेलेंट बॉन्ड थी, वो बॉन्ड टूटना स्टार्ट हुआ, टूटना स्टार्ट होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यहाँ पर बढ़ गई, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई और इधर होल्सों की संख्या बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ने के कारण इसमें जो करंट का मान बढ़ गया, बिना वोल्टेज परिवर्तित किए यहाँ पर करंट का मान बढ़ गया और करंट का मान बढ़ने के कारण एक अतिरिक्त करंट का प्रवाह होने लगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक अतिरिक्त करंट फ्लो होने लगा, एक अतिरिक्त ऊर्जा पैदा हो गई। तो इस प्रकार से ये एक जो आपका जो फोटो डायोड है वो प्रकाशीय किरणों को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। और उसका कारण है कि प्रकाश ऊर्जा पड़ने के कारण, प्रकाश किरणें पड़ने के कारण जो यहाँ पर इसके जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो टूटना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनको एनर्जी मिलती है, एक हीट एनर्जी मिलती है और हीट एनर्जी मिलने के कारण वो कोवेलेंट टूट करके वहां पर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की बोलकता करते थे, जिसके कारण वहां पर रिवर्स बायसिंग में उच्च करंट का प्रवाह होने लगता है।
ठीक है। अब यदि हम बात करें कि विशेष प्रकार से इसका उपयोग ऐसे भी कर सकते हैं कि यहां पर कोई अन्य सर्किट लगा रखा है, ठीक है, और यहां पर हमने इसको सप्लाई दे रखी है और यहां पर कोई भी हमने डिवाइस लगा रखी है, ठीक है, इसकी सीरीज में। यदि हम नॉर्मल पोजिशन बात करें तो इसमें जो माइनॉरिटी चार्ज के कारण करंट का प्रवाह होता है वो बहुत ही कम होता है, तो हम कह सकते हैं इसमें करंट का प्रवाह नहीं होता। लेकिन जैसे ही प्रकाश की किरणें पड़ेगी, प्रकाश की किरणें पड़ते हैं इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है वो टूटना स्टार्ट करेंगे, जिस कारण करंट का प्रवाह होने लगेगा। तो करंट का प्रवाह होने लगेगा अर्थात इस डिवाइस में से करंट का प्रवाह होने लगेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे प्रकाश की किरणें पड़ी तो इसका रेजिस्टेंस कम हुआ, रेजिस्टेंस कम होते इसकी इसमें करंट का प्रवाह होने लगा, ये डिवाइस अपनी काम करने लग गई। तो ये हम यहाँ से प्रकाश से जो नियंत्रित है वो स्विच बना सकते हैं, जैसे स्ट्रीट लाइट होती है। स्ट्रीट लाइट में क्या होता है कि जैसे ही सुबह अपनी प्रकाश की सूर्योदय हुआ, सूर्योदय होते लाइट ऑफ हो जाती है, क्यों कि जैसे ही यहाँ पे सूर्योदय हुआ इस पे प्रकाश की किरणें आई, इसमें करंट का प्रवाह हुआ, वो किसी एक रिले को एनर्जाइज करवाएगा और इसकी सप्लाई ऑफ कर देगा। जैसे ही रात में इसमें प्रकाश की किरणें सांझ हुई, प्रकाश की किरणें बंद हुई, प्रकाश की किरणें बंद होते इसका प्रतिरोध उतर जाएगा जो किसी सर्किट को ऑन करवा देगा। तो हम यहाँ पर इसका उपयोग स्ट्रीट लाइट में स्विच जो यहाँ पर टॉर्च से या कार की जो हेडलाइट होती है उससे खुलने वाले गेट में द्वार है उनमें प्रयोग